वेलकम है अजय भैया के व्लॉग में। तो अजय भैया कहाँ जा रहे हैं अभी हम? तो दोस्तों अभी हम हैं हुद सारस रोड पे, जो खलैनी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम जा रहे हैं बर्फ देखने। और मेरे साथ मेरे गैंग साथी है और ध्रुव, और ये देख सकते हो बाहर कितनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है। गाइस तो यहाँ पे बर्फ, वाओ क्या नजारा है दोस्तों। अभी तक धुंध पड़ रही थी लेकिन धुंध क्लियर हो। सालों को बर्फ देखने के लिए बोला था, साले जन्नत में ले आए। अब बनेगी रील्स। तो ये देख सकते हो क्या गाड़ी दौड़ रही है भाई, वाह मिरर पे बर्फ पड़ती हुई। पूरी पूरी रोड जाम हो चुकी है बर्फ से, देख सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी नहीं लाई है ना, गाड़ी मैंने थोड़ी सर्विस के लिए दी हुई है, तो गाड़ी मैं अपने भाई के लिए आया हूँ। तो गाइस जादू के लिए धूप ढूंढने जा रहे थे, धूप तो मिली नहीं आता। नो यहाँ पर कुछ गाड़ी भागती है। बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों, वाइपर चला के देखते हैं, देखिए कितनी क्लियरिटी दिख रही होगी। अभी हम उतर के भी दिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे साला इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं ना होता है, नहीं तो गाने लगाए होते अभी हमने और डांस कर रहे होते। बिल्कुल, बड़े धीमी रफ्तार से चलते जा रहे हैं हम। लोग इस टाइम पे घर में बैठना ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर हम घूमेंगे, मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि अजय भैया घूमने के शौकीन है। सही कहा। तो अभी हम उठोगड़ा क्रॉस कर चुके हैं, अब हुद की ओर जा रहे हैं। तो बस हुद क्रॉस करके थोड़ा सारस वाली रोड पे जाना है। तो यहाँ पर पत्थर है बीच रोड में, तो बड़े संभल के चलना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हो आप क्या हालत की है यहाँ पर, किसने स्टंट मारे हैं गाड़ियों पे। तो मेहरबानी करके स्टंट ना मारें, तो आराम से गाड़ी चलाएं। तो इस गाड़ी में कोई भी नहीं है, तो हम तो बड़े प्यार से चल रहे हैं। हमारे पास अभी है काइगर गाड़ी, तो रेनॉल्ट वालों की, तो काफ़ी दम है इस गाड़ी में, सिर्फ टायर गंजे बाकी दम बहुत है। तो वाह क्या नज़ारा है गाइस, ये देखिए। वाओ यार, अभी हम तो स्नो वैली पहुंच गए हैं। स्नो वैली पहुंच चुके हैं हम, आइसलैंड पे दस्तक दे चुकी है हमने। बर्फ भी पड़ रही है और क्या, बर्फ पड़ रही है, क्या नजारे दोस्तों। ब्रेक नहीं लग रही है भाई, नहीं लग रही है, सेम है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, आराम से चलाना। तो क्योंकि ऐसे में गाड़ी स्किड होती है, ब्रेक नहीं लगती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ब्रेक मत लगाओ, जाने दो गाड़ी जहाँ जा रही है, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी गाड़ी, लेकिन ब्रेक मत लगाओ। अगर ब्रेक लगी तो समझो कि स्किट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं तो बड़े प्यार से जा रहा हूँ, मुझे कोई नमक भी डालते हैं, या अगर ऐसा कुछ फंस जाए बंदा तो नमक डालते हैं, नहीं तो फिर गाड़ी को क्या करते हैं कि टायर से हवा कम कर देते हैं। हवा कम करोगे तो क्या होगा कि गाड़ी के टायर का, ठीक है समझ गए ना आप लोग। तो ये देखिए स्टंट, फाइनली हमने लुक वाला एरिया क्रॉस कर लिया। अब हम हैं ऑफ रोडिंग पे सारस वाली रोड पे हम जा रहे हैं। उतरते ओ ड्रिंकिंग वाटर टैंक मिल चुका है, प्यासे थे हम काफी टाइम से। गाइस अब हम उतर रहे हैं नीचे। वेल यस ब्रो, तो आप देख सकते हो गाइस क्या नजारा है गाइस यहाँ का, और ये देख सकते हो आप पीछे गाड़ी। तो आप मेरे कर लो यहाँ पे, मतलब कितनी कितनी बर्फ है यहाँ पे देख सकते हो आप। ओ भाई शूज पूरे गीले हो गए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं काफी बेहतरीन जगह पे, ये देख सकते हो आप बर्फ गाइस। तो यहाँ पे काफी मजा आ रहा है हमें, सभी रील बनाना अच्छी अच्छी। ये देखो आज यहाँ को बर्फ से नहलाएंगे आज हमारा वो देखो पीछे हमने गाड़ी रोकी है और ये बर्फ फेंक रहे हैं ऊपर से, ये पागल हो गए ये दो। अजय भैया रुको यार, अब मैं हूं दोस्तों, शुभम को करूं फोन, टैंकर पे पानी पीने आया हूं, लेकिन इसका
नलका कहाँ वो नहीं दिख रहा मुझे, टैप कहाँ है, नलका हमें खुद बनाना पड़ेगा। आगे से होगा नहीं, इसका टैप नहीं मिल रहा मुझे, पानी पीना था। चलो बर्फ से काम चला लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं ग्लैनी से काफी दूर, तो सामने देख सकते हो आप पेड़ों पे बर्फ कितनी ज्यादा है, तो काफी बढ़िया नजारा है, खूबसूरत नजारा है। तो ये देखिए सन्नी कैमरामैन मेरे, तो ये रे ध्रुव। तो ध्रुव जी आप कहाँ पर आए हो आज? तो भैया हम आज आए हैं खुद में, आई होप सब बढ़िया होंगे। ये लो गाइस, ओ कैमरा, काफी अच्छा नजारा है यहाँ का। जादू यार वो बनाओ स्नोमैन। हाँ बनाते हैं। तो गाइज अब हम बनाएंगे एक स्नोमैन, अब हम तीनों मिलके स्नोमैन बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं ठीक है, हमारे साथ तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए कितना खूबसूरत स्नोमैन बनाएंगे हम, तो आप लोग भी देखिए एंजॉय, एक एक ट्रॉफी दे निकाल के। थैंक यू एनर्जी के लिए। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप जंगल का एरिया, पेड़ देख सकते हो, पेड़ों पे कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, सारे सफेद हो चुके हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर इस जगह पे। तो ये लड़के लोग कुछ बड़ी खतरनाक गेम चली हुई है इनकी। वाओ वो पानी में नहीं जा, तो वेल गाइज अब स्नोमैन तैयार हो रहा है, तो लड़के लोग लग चुके हैं क्योंकि इनने मिस्त्री का काम किया हुआ है पहले भी, तो ये देख सकते हो आप चल रहा है, बढ़िया काम, शाबाश, वेरी गुड, लगे रहो शाबाश। आपको तो ठंड भी नहीं लगती है, बहुत ही अच्छे, आप लोगों को ठंड भी नहीं लगती है, बहुत ही बढ़िया। गाइज स्नोमैन बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी बस थोड़े सिक्स पैक बनाए जा रहे हैं इसको, सिक्स पैक बनाएंगे क्योंकि फिट स्नोमैन है, कोई ऐसे कोई पेटू स्नोमैन नहीं है। तो अभी हम करेंगे इसकी और कुछ डेकोरेशंस, अभी आंखें बनाएंगे और यहाँ पर सिक्स पैक तैयार होते हुए ये देखिए, इसके पहले चेस्ट बनेगी। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आप हमने स्नोमैन रेडी कर दिया है, ये देख सकते हो आप सिक्स पैक वाला स्नोमैन, ये देख सकते हो पैक आप इसके, और ये मसल्स हैं, और ऊपर देख सकते हो मूंछें इसकी, और आंखें क्या नशीली आंखें हैं, शराबी आंखें हैं इसकी। तो वाओ बेहतरीन, बहुत ही अच्छा जच रहा है। तो अब हम इसके साथ फोटोग्राफी करेंगे, तो खींचो मुन्ने के साथ। तो चेक करो गाइस, तो यहाँ पे स्नोमैन बनके रेडी हो चुका है, तो आप भी आइए और चेक। वेल गाइस अब हम थोड़ा पीछे तक जाते हैं, तो देखते हैं आज रोड का क्या हाल है। कुछ दिन पहले तो मैं आया था लेकिन उस टाइम धूप थी यहाँ पर, तो अब बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और बर्फबारी भी हो रही है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया है, कच्चा रोड है, तो हमने गाड़ी बिल्कुल पीछे रखी हुई है। अमेजिंग, ये देख सकते हैं जादू, कभी चेक करना यार गाइस, पहाड़ में आओ यार, क्या वादियाँ। वेल गाइस अब हम एक लड़का था बेचारा यहाँ पर, उसको छोड़ने जा रहे हैं थोड़ा पीछे तक, क्योंकि यहाँ पर हाँ नेचर भी हमारा काइंड हार्टेड है, और तो काफ़ी अच्छा लगता है हेल्प करना। तो लड़का बेचारा अकेला था, कोई डोडा में पेपर था उसका। पर दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आपको, एक छोटा सा लड़का हमें मिल चुका है यहाँ पर, जिसका पेपर था कोई डोडा में, किस चीज़ का पेपर था, एनसीसी का पेपर था, आज इस ठंड में इस बर्फबारी में इसको जाना पड़ा। तो हम इसको थोड़े पीछे तक जा रहे हैं छोड़ने, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इलाका अजीब सा है, क्योंकि जंगली जानवर हो सकते हैं यहाँ पर, वैसे तो ये निडर रहे हैं यहाँ के लड़के, लेकिन तो बात बताना चाहूँगा कि कल को ऐसे ही बच्चे अपने बच्चों को बोलते हैं कि हम इतना पैदल चलते थे, हमने इतना संघर्ष किया आपके लिए, ये वो फ्लैंडिंग, भाई देख रहे हो जिंदगी।
देख सकते हो आप, लड़का बिल्कुल साथ में है पीछे, तो इसको थोड़ा आगे तक छोड़ने जाएंगे हम आधे रास्ते तक, जहाँ तक थोड़ा नाले वगैरह क्रॉस करके उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। वेल गाइस, अभी हम लगभग आधा किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, चलने में तो कोई मुझे मात नहीं दे सकता, काफ़ी तेज चलता हूँ मैं, तो साथ में अभी हम पूरी जाएंगे, मेरी साथ में पीछे देख सकते हो, बर्फ खा रहे हैं गाइस, बर्फ खाते हुए लड़के अब हम जा रहे हैं। ये जो हमारे साथ में लड़का है इसको थोड़ा छोड़ने पीछे तक, क्योंकि यहाँ पर इलाका देख बिल्कुल जंगल का एरिया है, तो ये देख सकते हो आप जंगली जंगल है, तो इस जंगल में भालू वगैरह, पहले तो बहुत ज़्यादा भालू होते थे यहाँ पर, लेकिन अब तो है नहीं, लेकिन भरोसा नहीं। ओ आगे की स्लिप लगेगा थोड़ा सा ना, गया तू तो। वेल गाइस, ये जो मेरे साथ है अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये दोनों देख सकते हो आप कैसी हरकतें कर रहे हैं, और थोड़ी देर में ये गिरने वाले हैं नीचे। गाइस ये गिरने वाले हैं, मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा अभी, लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा अभी इनकी, अभी थोड़ी देर में ये गिरेंगे नीचे। वेल गाइस, ये लड़का अभी घर पे फ़ोन कर रहा है, तो घर वाले चिंता कर रहे हैं इसकी कि कहाँ रह गया है, तो ये बता रहा है कि मेरे साथ दो तीन भैया आए हैं साथ पहुँचाने, तो ये देख सकते हो हालत कैसा है यहाँ पर, कितनी ज़्यादा बर्फ रोड में, यहाँ पर गाड़ी नहीं। तो काफी एंजॉय कर रहे हैं, नो मनी नो हनी, गुड बाय। वाओ फ्रेंड्स, ये देख सकते हो सारस रोड का हाल, अभी तक बिल्कुल स्थिर है, कोई भी पत्थर नीचे नहीं गिरा रोड में, तो काफी बढ़िया रोड की कंस्ट्रक्शन की है जो भी कोई ठेकेदार है, तो अभी तक रोड बिल्कुल स्थिर है, तो काफी मजा भी आ रहा है, अब पैर काफी ज्यादा डूब रहा है, ये देख सकते हो आप। ओ माय गॉड, वेल गाइस, लगभग एक किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं, उस लड़के को हमने थोड़ा जो डेंजरस एरिया था जिस कारण अब वो आगे खुद ब खुद जा रहा है, क्योंकि वहां से आगे थोड़ा नजदीक है अब उसका गांव, तो अब अभी हम हैं ये सारस वाली रोड पे, ये कच्चा रोड देख सकते हो आप मेरे पीछे, ये मेरी गैंग देख सकते हो आप, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की ओर, अपने घर की ओर, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम। तो ये तो गाइस एक चीज बताता हूँ, अगर आपको बर्फ खानी है तो ऐसी जैसे साफ जगह से उठाइए, ऊपर वाली परत, रोड में से नहीं ऊपर से, ये देखे ऐसे आप इसको लीजिए और ऐसे डिलीशियस। अब मुझे लगता है कि फूड चैनल खोलना पड़ेगा एक। गाइस मैं आपको बता दूं, एक हफ्ता पहले मैंने इसी पत्थर पे ये किया हुआ था, और आज ये दोनों मेरे भाई बर्फ खा रहे हैं, ये देख सकते हो पीछे उल्टियां आ रही है अब इनको, ये देखिए। तो गाइस अब हम वापस आ चुके हैं, उस लड़के को बहुत दूर तक पहुंचाया हमने, छोड़ा तो छोड़ के वापस आ चुके हैं, हमारा टिका हुआ है डटा हुआ है, लेकिन इसकी मूंछ एक टेढ़ी हो चुकी है, तो इसको फिर मूंछ ठीक करेंगे, तो अब सही लग रहा है, अब मूंछ है, अब बढ़िया लग रहा है। तो गाइस फाइनली अब हम गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, तो अब हमारी जाने की तैयारी, यहां से अब हम निकलते हैं यहां से घर की ओर, तो ये देख सकते हो, तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो दोस्तों होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके बाय, जय हिंद।